جس میری بیٹی بچی کی ایسی حالت کری ہے اس کتے کی ویسے ہی حالت کرے. میں آپ سے بار بار یہی انوروھ کرتی ہوں اس کی بھی آنکھیں پھوڑی جائیں, اس کی آنکھیں پھوڑی جائیں, ہاتھیں توڑے جائیں, پیر توڑے جائیں, تب تک ہم کو تسلی ملے اور دم نکالا جائے. میں یہی چاہتی ہوں. پتا چلے گا نا کیسے دم نکلتا ہے. क्षेत्र के लगभग 150 गांवों के लोग कल से धरने पे बैठे हुए हैं पंजाब नेशनल बैंक चप्पल में, पंजाब नेशनल बैंक के सामने, और लगभग 12 लोग अनशन पर हैं. और ये तय किया हुआ है कि प्रतिदिन 7 बजे से 9 बजे तक कैंडल मार्च पूरे क्षेत्र में निकलेगा, गांव-गांव में निकलेगा, पूरा क्षेत्र इकट्ठा होगा. और 3 मांगे शासन प्रशासन से है. पहली मांग, दोषियों के खिलाफ इतना मजबूत केस बनाया जाए कि ऐसे हत्याकांड करने वाले राक्षसों को इतनी मजबूत ढंग से आरोप पत्र बने, चार्जशीट बने, कोई भी कोर्ट उन्हें फांसी से कम पे न मान सके. प्रशासन की तरफ से क्या प्रतिक्रिया जी? प्रशासन की ओर से SPRA SP क्राइम ये लोग पहुंचे. उन्होंने कहा कि हम इसके लिए प्रयास कर रहे हैं. हमने कहा ठीक है, आप केस को मजबूत कीजिए, नंबर एक. नंबर दो, एक वर्ग विशेष के द्वारा आए गए दिन इस प्रकार की जो घटना क्षेत्र में हो रही है, उस वर्ग के जिम्मेदार लोग, यहाँ सैकड़ों गांव की जो सरदारी आई हुई है, उनके सामने ये माफी मांगे. इस विषय पे नहीं, इसके लिए तो माफी होगी नहीं, आगे से कोई भी इस प्रकार की घटना नहीं होगी. और तीसरी बात, अगर इस बेटी का नाम ट्विंकल शर्मा नहीं होता, इसका नाम रशीदा होता, इसका नाम जाहिदा होता, इसका नाम जो है कुछ और होता, तो शायद इस देश के आधे से अधिक मुख्यमंत्री उसके घर पे होते, करोड़ों करोड़ रुपए न्यौछावर हो रहे होते, पूरे देश में अवार्ड वापसी हो रही होती. लेकिन नहीं, आज कोई नहीं पहुंच रहा है. तो हमारी मांग है कम से कम उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री पीड़ित के घर जाए, सांत्वना दे और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दे. क्या लग रहा है ये अनशन जो कब तक चलेगा? ये अनशन तीनों मांग पूरी तरह न मान ली जाए तब तक ये अनशन चलेगा. आगामी रणनीति क्या रहेगी? आगामी रणनीति ये है कि कल सुबह क्षेत्र के लोग साइकिलों से, मोटरसाइकिल से, ट्रैक्टरों से, कारों से, हर तरह से पूरे क्षेत्र में बहन बेटियां आ रही हैं, गाजियाबाद बड़ी संख्या में होंगे. उसके अलावा परसों की तय ये रणनीति हुई है कि हिंदू समाज पूरे क्षेत्र का और देश भर से लोग आएंगे एक साथ. अगर सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया और मुख्यमंत्री नहीं आए तो परसों सर मुंडन करवाएंगे हम. हमारे हिंदुत्व की रक्षा अगर नहीं कर सकते ये